हम लोगों ने सिंधु का अपस्वातंत्र पढ़ लिया था, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र अपस्वातंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी भी आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको भी पढ़ लिया जाता है ब्रह्मपुत्र अपवाहतंत्र। अपवाहतंत्र क्या है तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपवाहतंत्र किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी अपवाहतंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया है, मतलब इस अपवाहतंत्र का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। यह अपवाहतंत्र मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। कहाँ पर? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर उद्गम देखा जाए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तो तिब्बत के पठार से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। तथा यह नदी नामचा बरवा चोटी के नज़दीक स्थित एक गहरी घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। आइए एक एक करके इसके बातों को ध्यान में देखते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखा जाए तो यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ पे राकस ताल है, फिर यहाँ पे चेमाजमुंडोंग ग्लेशियर है, वोचर बोखरचू ग्लेशियर है, फिर यहीं पे है आपका मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास ये तिब्बत के पठार पे मानसरोवर झील है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से उद्गम जिस समय ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे है, तिब्बत में। सारी बातों को हम लिखते चल रहे हैं, अगर आप समझते चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये कहाँ पे है? तिब्बत की पठार। तिब्बत इसमें कहाँ है? चीन आधिपत्य में है। तिब्बत के पठार से, अर्थात तिब्बत का पठार इसमें कहाँ है? चीन में है। तो कहाँ पे? चीन आधिपत्य है तो चीन में इसका उद्गम होता है, ठीक। और यह नदी नामचा बरवा चोटी के नज़दीक, अगर हम देखें तो हिमालय की यहाँ पे पूर्व में एक चोटी है जिसे हम नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। किसका? हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है उसे नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर यहीं पर है। नामचा बरवा, क्या नाम उसका? नामचा बरवा है, ठीक। और स्थित गहरी घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है एक गार्ज बनाती है जिसे हम दिहंग गार्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहंग गार्ज के नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक मात्रा में जल ले जाने वाली नदी है। भारत की सर्वाधिक मात्रा में जल ले आने वाली नदी है, मानी सिंधु से ज़्यादा जल लेकर ये आती है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब यह नदी यहाँ से निकलती है, ब्लैक पेन यूज किया जाए, यह नदी यहाँ से निकलती है, निकलते हुए यहाँ आती है, हल्का सी यूटर्न लेती है, फिर ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो जब भारत में प्रवेश करती है एक गार्ज बनाती है। कौन सा गार्ज? जैसे कि हमने देखा सिंधु नदी पश्चिम हिमालय को काटकर सिंधु गार्ज बनाती है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग गार्ज बनाती है। दिहांग गार्ज बनाती है मतलब हिमालय को काटकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे हम गार्ज कहते हैं। और इस नदी के जो दाहिने छोर पर है उसकी सहायक नदियाँ हैं, तिस्ता है। तिस्ता देखेंगे, वैसे तो तिस्ता का उद्गम जो होता है कहाँ पे होता है? सिक्किम में होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर यह पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा को साझा करते हुए फिर इसकी सहायक नदी बन जाती है। फिर देखते हैं कि तिस्ता जल विवाद 1950 से ही, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है, तो भारत से 1950 से ही तिस्ता जल विवाद चल रहा है। फिर मानस है, इसकी सहायक नदी क्या है? जो दाएँ हाथ तरफ से आती है, दाएँ तरफ से आती है, कौन कौन है? तिस्ता है, मानस है और सुबनसूरी है। इसकी ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ऐसी हैं जो दाएं तट से मिलती हैं। अगर ब्रह्मपुत्र की बाएं साइड से आने वाली नदियों को देखा जाए तो दिबांग है, दिबांग, दिशांग, लोहित, ये ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो बाएं हाथ से आकर मिलती है, ठीक। फिर हम आगे देखेंगे कि इस नदी के मध्य में जब ये असम में पहुँचती है तो असम में पहुँचने से पहले इसे दो नदियाँ दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है इसका नाम होता है शांगपो। किस नाम से जानी जाती है? शांगपो, या इसे शांपो नदी के नाम से
जाना जाता है, जिस समय तिब्बत के पठार से निकलती है उस समय से सांगपो या शांपो नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा रेड कलर नहीं दिख रहा है तो हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। अब इसे शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको लगता है कि नहीं ये उपयोगी है, सांगपो या शांपो नदी के नाम से जानी जाती है, जिस समय यह कहाँ निकलती है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होती है अर्थात चीन में या तिब्बत में इस नदी का नामकरण क्या है, सांगपो नाम से जाना जाता है। जिस समय उसके बाद ये जब भारत में प्रवेश करती है, जब अरुणाचल प्रदेश में दिहंग घाट से आती है तो इसका नाम बदल क्या हो जाता है, पहले तो इसका नाम अगर देखा जाए इसका एक नाम हमें मिला, इधर लिखते हैं इसका जो पहला नाम हमें मिला वो मिला सांगपो, क्या मिला सांगपो या सांपो, ठीक इसका नाम सांगपो या सांपो मिल गया इसका पहला नाम। दूसरा नाम जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है देहांग नदी, क्या हो जाता है देहांग नदी। फिर देहांग नदी और आगे बढ़ती है असम के नज़दीक जब पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी बनने से पहले लोहित प्लस दिबांग, लोहित और नहीं आया यहां तक, लोहित और दिबांग, लोहित प्लस दिबांग, लोहित और दिबांग नदी मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र हो जाती है, क्या होती है ब्रह्मपुत्र हो जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र और आगे जाती है माने असम को छोड़कर जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है उससे इसका नाम बदल के जमुना हो जाता है, क्या नाम हो जाता है जमुना। फिर जमुना और आगे जाती है, फिर जमुना हो गया बांग्लादेश में, जमुना आगे जाती है तो उधर से इसका नाम हो जाता है मेघना, क्या नाम हो जाता है मेघना। लेकिन मेघना नाम होने से पहले ये किससे मिलती है, पद्मा से मिलती है प्लस बराक नदी, पद्मा अर्थात गंगा और बराक नदी के मिलने के बाद यह बांग्लादेश में मेघना नाम से जानी जाती है माने ब्रह्मपुत्र के पहले इतने नाम है। कहाँ कहाँ सांगपो इसे कहते हैं, तिब्बत में जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पे इसे किस नाम से सांगपो नाम से जाना जाता है, वहाँ पे किस नाम से सांगपो के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमने ये देखा कि दिबांग देहांग नदी इसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसे देहांग नदी के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे आती है इसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र लोहित और दिबांग नदी जब यहाँ पे मिल जाती है उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे, और ये यहाँ पे सीमा बनाते हुए आती है। फिर यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप यहीं पर स्थित है, ठीक कहाँ पे मांजुली द्वीप जो उत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत की एक संस्कृति देश की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे जाती है असम के बाहर जैसे जाती है बांग्लादेश की तरफ पहुँचती है, असम और बांग्लादेश में इसे वैसे तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, फिर जमुना और आगे जाती है उधर से गंगा आती है जो पद्मा नाम से, पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है और आगे जाती है बराक नदी आके मिलती है, उस समय जब बराक नदी से मिलती है फिर इसका नाम बदल कर मेघना हो जाता है। ठीक आगे बढ़ते हम लोग, हमने देखा इस नदी के मध्य में असम में मांजुली द्वीप स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता इस जो जल विद्युत क्षमता इसी नदी में पाई जाती है, याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता इसी नदी में पाई जाती है। अब हमने इसके नाम को देख लिया, इसके क्या नाम था, जिस समय ये नदी निकलती है जिस समय यहाँ से नदी निकलती है उस समय इसका नाम क्या होता है सांगपो नदी, फिर अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करती है प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी, फिर ये आती है असम में, कहाँ आती है फिर ये असम में आती है, जब ये असम में आती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर ब्रह्मपुत्र फिर आती है ये बांग्लादेश में, जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है फिर इसका नाम बदल के जमुना हो जाती है, फिर उधर से गंगा आती है ये दोनों मिल जाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, फिर आगे बढ़ती है इधर से आती है बराक नदी, फिर ये क्या होती है ये मेघना के नाम से जानी जाती है, किस नाम से मेघना। हमने देखा जब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जमुना मिलती है तब तीनों को धाराओं को संयुक्त रूप से पद्मा कहते हैं, क्या कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, मतलब जब गंगा और जमुना और गंगा मिल जाती हैं तब ये पद्मा कहलाती हैं। अगर गंगा नदी का नाम जानते हैं पद्मा है, क्या नाम है पद्मा, पद्मा बराबर जमुना, जमुना क्या ब्रह्मपुत्र का नाम है प्लस ब्रह्मपुत्र का नाम है गंगा और प्लस से गंगा जब मिल जाती है तब उसे क्या कहते हैं तब हम उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और जब पद्मा मेघना से मिल जाती है, जब यह पद्मा
पद्मा किससे मिल जाती है? मेघना से, तो ये मेघना नदी हो जाती है, प्लस मेघना पद्मा बराक से, सॉरी बराक से मिल जाती है, तभी मेघना बन जाती है। एक बार पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। पहले हमने क्या देखा, यह 29 तिब्बत की पठार से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। जिस समय यह नदी निकलती है उस समय इसे सांगपो कहते हैं, लेकिन ये हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचा भरवा के पास पहुंचने के बाद यह दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में देहांगार से प्रवेश करती है। जिस समय ये प्रवेश करती है उस समय इसे देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे ही असम के पास पहुँचती है, असम में लोहित और दिबांग नदियों को मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये दक्षिण तरफ, फिर क्या होता है, यहाँ से आई, यहाँ पे आने के बाद फिर दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाती है, पहुँचती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। फिर उधर से जब गंगा आती है, गंगा और जमुना मिल जाती है, मैंने गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात जमुना मिल जाती है, संयुक्त धारा का नाम हो जाता है पद्मा। फिर पद्मा उधर से आती है तो मेघना या बराक नदी उधर से आती है, बराक इधर से आती है, बराक या मेघना नदी इधर पद्मा हो गई, मेघना मिलने के बाद ये मेघना नदी के रूप में जाके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, और यहीं पे असम के पास ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और भारत में सबसे ज्यादा जल लाने वाली जो एकमात्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और साथ में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता केवल भारत के ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ से अगर कोई समस्या आपको जन्म ले रही बताएं, या हम कुछ इसके और महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। एक बात हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या नदी द्वीप का नाम क्या है? मांजुली, जो 1250 वर्ग किलोमीटर का था, जो कितने था, जो लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन इस समय यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर अपर्दित हो गया है, 650 वर्ग किलोमीटर तक लगभग बचा हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप था, नदी द्वीप था। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र, मांजुली द्वीप जो बना है यह ब्रह्मपुत्र और जो मांजुली द्वीप है, अगर हम देखा जाए मांजुली द्वीप यह ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के नदी के संगम या मुहाने पे के संगम या मुहाने पर बनी है। ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम या मुहाने पर बनी हुई मांजुली द्वीप है। याद रखिएगा, इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। इसे असम की मांजुली द्वीप को असम की सांस्कृतिक राजधानी, इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। किस नाम से? असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि ये इसकी साइज घट गई, पहले विश्व की प्रथम रहा करती थी, लेकिन इसकी साइज क्या हो गई, अब कम हो गई। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो ब्राजील का बनानल, जो ब्राजील का है उसका नाम क्या है? बनानल। ये कहाँ है? ये ब्राजील में है। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे बनानल कहते हैं। बनानल कहते हैं, जो अरागुइया नदी पर किस नदी बना है? अरागुइया नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? ब्राजील के अरागुइया नदी पर बना हुआ है। ठीक, अरागुइया नदी पर बना हुआ है। अरागा
गुइया नदी पर बना है, बनानाल ब्राजील की दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम बना है। इसके पहले 1250 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था, लेकिन इस समय 650 वर्ग किलोमीटर रह चुका है। ये असम में है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम की सांस्कृतिक राजधानी, माने मांजुली द्वीप को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो ब्राजील का बनानाल द्वीप है, जो अरागुइया नदी पर बना है। किस पे? अरागुइया नदी पर बना हुआ है। फिर हमने देखा, अब आते हैं एक बराक नदी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बराक नदी मिलने के बाद ही पद्मा, बराक नदी से मिलने के बाद जो मेघना के नाम से जानी जाती है। देखते हैं, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम नागालैंड के माउंट में हुआ है। कहाँ हुआ है? नागालैंड के माउंट में। अगर हम बराक नदी को यहाँ पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। मेघना नदी का उद्गम नागालैंड का माउंट जापो में हुआ है। ये कहाँ है? नागालैंड में। कहाँ हुआ है? ठीक है, बराक बेसिन में, मासिन राम। अच्छा, इसके बेसिन में ही इसके जो बराक नदी है, इसकी जो बेसिन है इसी में भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या नाम उसका? मासिन राम व चेरापूंजी है। इसके जो बेसिन है जहाँ से नदी बहती हुई जाती है, उसमें उसी जगह पे क्या है? चेरापूंजी है। क्या है? चेरापूंजी व मासिन राम जो दुनिया के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है। बराक नदी कहाँ है? माउंट जापो नागालैंड से निकलती है। ये इसका उद्गम स्थल है, ये नदी का नाम है बराक नदी। यहीं से बनकर मेघना, मिलने के बाद मेघना हो जाती है। बांग्लादेश में इसे सुरमा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सुरमा के नाम से जाना जाता है। स्थान है बराक नदी बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुरमा के नाम से, माने बराक नदी बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। फिर बराक नदी पद्मा मिलती है, संयुक्त धारा को पद्मा मेघना भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात है, तिस्ता नदी भी बता दें, क्योंकि तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, इसका उद्गम सिक्किम से होता है। फिर आगे जाने के बाद इसको भी तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में है, लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, लेकिन ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी बनती है, और सहायक नदी बनने से पूर्व यह पश्चिम बंगाल और सिक्किम को बांटती है। इस नदी पर दोनों देशों के बीच 1950 से जल विवाद आ रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस तिस्ता नदी जल विवाद 1950 से चलता रहा। इसका उद्गम सिक्किम में होता है और ये बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके पूर्व ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल को विभाजित करती है, अलग करती है, उनके बीच से होते हुए आती है। इन दोनों देशों के बीच 1950 से जल विवाद चलता आ रहा है। फिर हमने देखा कि भारत चाहता है कि इस पर का जो जल है उसका 52% हिस्सा भारत इस्तेमाल करे और 48% हिस्सा बांग्लादेश इस्तेमाल करे, जबकि कितना? 52 भारत और 48 बांग्लादेश इस्तेमाल करे। ऐसा कौन सोचता है? भारत सोचता है, जबकि बांग्लादेश अपेक्षा करता है कि 20% पानी प्राकृतिक बहाव के लिए छोड़ दिया जाए, शेष 80% का 40% हिस्सा भारत इस्तेमाल करे, 40% हिस्सा बांग्लादेश इस्तेमाल करे, जो पूर्वी पाकिस्तान रहा करता था। अच्छा, एक बात और है कि भारत और बांग्लादेश में लगभग 54 नदियां बहती हैं, 54 नदियों का बहाव है, लेकिन अभी तक केवल एक नदी समझौता हुआ है, इसका नाम है गंगा नदी। अभी तक केवल 1996 में गंगा नदी जल समझौता केवल अभी तक हो सका है। कितना? गंगा नदी समझौता 1996 में गंगा नदी समझौता हो चुका, जबकि 54 नदियाँ बहती हैं। फिर हम आते हैं, देखते हैं कि बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक भैरव बाजार, अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी या पद्मा से भैरव बाजार में बराक नदी गंगा और
ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से मिलती है। कहाँ पे? भैरव बाजार में। यहाँ पे स्थान का नाम है भैरव बाजार, भैरव बाजार में आकर मिलती है। कहाँ पे? भैरव बाजार में आकर मिलती है। बस और इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस और कुछ भी नहीं है, मांझलि जैसे कुछ बड़े द्वीप हैं। अच्छा, धुबरी तक पश्चिम की ओर बहती है उसके पचास। अच्छा, ये भी हो गया आपका। चलिए, तो आज हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लिया। यहाँ से कोई भी प्रश्न तो छूटने नहीं पाएगा। फिर से एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको परीक्षा के समय समस्या ना हो। इस वीडियो को अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं बेहतर लगेगा कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध है, और ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है। लेकिन टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िएगा। अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम पर नहीं फॉलो किया है, नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो सर्च करिएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए ऊपर कॉर्नर पर DURGESHSIR, जैसे दुर्गेश सर्च करेंगे आपके सामने इलेनी दुर्गेश आएगा, उससे आप जुड़िएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के बाद आप हमारे टेलीग्राम के अलावा आप फेसबुक पेज इलेनी दुर्गेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह आप इलेनी दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। आइए एक बात ब्रह्मपुत्र नदी का एक बात क्विक रिविजन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत के पठार से है। इसका उद्गम होता है, ठीक। उद्गम होने के बाद इसमें सांगपुंग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये भारत में ये ठीक ऊपर हिमालय की नामचा बरवा पर्वत के पास से दक्षिण तरफ घूमकर भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। जब ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तब इस नदी का जो नाम होता है वहाँ पे देहांग गाज बनाती है, और फिर से देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। देहांग नदी और आगे बढ़ती है तो फिर इस नदी ये असम और अरुणाचल प्रदेश की एक सीमा बनाते हुए साझा करते हुए चलती है। यहाँ बहुत ज़्यादा विसर्पित भी होती है, विसर्पण होता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, विसर्पण ज़्यादा होगा। फिर वहाँ पे इसे लोहित और दिबांग नदी मिल जाती है, फिर वहाँ से उसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये बांग्लादेश पहुँचती है, इसे जमुना के नाम से जानते हैं। फिर जमुना उधर जब आती है, गंगा दोनों बांग्लादेश से मिलती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है, जिसे हम वहाँ पे पद्मा कहते हैं। दोनों रूप से मिल जाती हैं, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, वहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा। और बंगाल टाइगर भी वहीं पे पाया जाता है। फिर और आगे नदी ये बनती है, फिर ये पहुँचती है, पद्मा आगे बढ़ती है, उधर से बराक नदी आती है। बराक नदी, जब बराक नदी आती है वो कहाँ से निकलती है? माउंट जापो से निकलती है, जो नागालैंड में है, और आके मिलती है किससे? दोनों की संयुक्त धारा। संयुक्त धारा क्या नाम था इसका? दोनों का पद्मा थी, पद्मा, और उधर से आ रही थी जमुना। दोनों से मिलती है कहाँ? भैरव बाजार में, जहाँ से इसका नाम हो जाता है मेघना। फिर संयुक्त मेघना जाते हुए डेल्टा बनाते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। फिर हम ये देखते हैं, ये तो इसका पूरा नामकरण देख लिया गया। फिर हम देखते हैं कि मांझलि द्वीप, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम पे बनता है। इसे असम की या असोम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखा जाता है। पहले इसकी लंबाई 1250 वर्ग किलोमीटर थी, किंतु अब इसकी लंबाई घटकर कितनी हो गई है? 650 वर्ग किलोमीटर हो गई है। फिर हमें देखते हैं कि असम की, अच्छा, बराक नदी बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ पे? बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है, और इस नदी के मुहाने पे चेरापूंजी और मानिसराम होकर गुजरती है, जहाँ से ये बराक नदी जाती है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाले है। यहाँ पे उसके बेसिन में, बराक नदी की बेसिन में चेरापूंजी और मासिनराम है। इस प्रकार हमने देखा, और फिर ये देखा कि भारत और इसके बीच जो जल विवाद है, 1996 में गंगा जल विवाद को निपटाया गया। तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती हुई आती है, इसकी सहायक नदी बनती है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। लेकिन उसके पहले ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। 1950 से इन दोनों देश के बीच विवाद बना हुआ है, और ये चाहती है कि 52% हिस्सा जो है भारत इस्तेमाल कर, भारत चाहता है 48% हिस्सा बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश चाहता है 20% को छोड़ दिया जाए, और आधे आधे 40-40 दोनों लोग इसका जल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इससे नहीं हो पाई, केवल 1996 में गंगा समझौता हो पाया है भारत और बांग्लादेश के बीच, और चंगो नदियाँ लगभग बहती हैं, अभी तक ये समझौता नहीं हो पाया। तो हमने एक तरह से आपको बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र के अफवाह तंत्र को पूरी तरह से पढ़ा दिया है, उनसे संबंधित नदियों को भी पढ़ा दिया है। और उसके दाहिने तरफ से अगर देखा जाए कि जो दाहिने ओर से नदियां मिलती हैं, दिबांग, लोहित, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनश्री, ये उसके बाईं ओर से मिलती हैं। फिर दाईं ओर से देखा जाए कौमेघ, मानस, संकोच, तिस्ता, सुबनसिनी आदि नदियाँ जाके मिलती हैं, ठीक है।
और लगभग लगभग तिस्ता भी इसके दाएं हाथ से मिलती है। तो कंप्लीट हो गया। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना किस नदी को कहते हैं? ठीक है, इन सभी जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। यदि कोई समस्या रहती है हमें जरूर बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको बेहतर लगे तो सभी को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमने सभी पॉइंट को बताने का पूरा प्रयास किया है, ताकि हमने ये पूरा प्रयास किया है कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। फिर भी यदि कोई छूट जाता है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक, और कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध है, ऊपर नंबर दिया गया है। इलेनी बी दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक जगह आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए नहीं कहते कि आपको बेहतर लगा, खुद सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। रात कितनी है मैं आपको सुप्रभात कहूँ या शुभरात्रि कहूँ ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कितनी रात हो रही है मैं जानता हूँ, आप कब देख रहे हैं वीडियो ये मुझे नहीं पता। साथ आप सभी को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।